फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू और हमारे जो जर्नलिस्ट मित्र हैं इतनी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं और ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। आप लोग जब आते हैं तो इसका मतलब जो क्रिएटिव लोग होते हैं उन्हें लगता है उनके काम को मान्यता मिली, क्योंकि आपसे लाखों करोड़ों लोग जुड़े रहते हैं आपके पर्टिकुलर चैनल से, आपके न्यूज़पेपर से, आपके वेब मीडिया से। इट्स अ टॉक शो, इट इज़ अंडर द नेम ऑफ द स्टार गेजर्स ऑफ इंडिया, मीन्स ऐसे लोग जो इंडिया को कहीं ना कहीं शाइन करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू राजू जी, मैं इनके पास लेके गया, मैं राजू जी के साथ आई स्टार्ट माई कैरियर विद हिम। तो मैंने कहा मैं सर एक शो डायरेक्ट करना चाहता हूँ, आप अगर होस्ट कर देंगे। तो राजू जी ने एक मिनट भी नहीं लगाया एंड ही इज़ रेडी फॉर दैट। तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं राजू जी को डायरेक्ट कर रहा हूँ इस शो में। देन आई रिक्वेस्ट टू माई ऑल इंटायर टॉप स्टार फ्रेंड्स, जिनमें सबसे पहले आई कॉल्ड राजा विक्रम सिंह, आप सब जानते हैं, अननोन है नहीं आप इनके बारे में। तो इसे ठीक है, तेरा पहला फर्स्ट एपिसोड मैं करूँगा। तो आज हम लोगों ने ये पहला एपिसोड यहाँ, आज मुहूर्त था एक तरह से हमारे कार्यक्रम का, एंड वन डे वी शूट मोर देन 5 एपिसोड्स, अनदर स्टार्स इज ऑल्सो वेटिंग इन अ वैनिटी। तो आज मेरे पास ज़्यादा शब्द तो नहीं है सिवा थैंक्स के, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा दे भी नहीं पाते, लेकिन धन्यवाद हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। तो अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू राजू जी, वेरी थैंकफुल टू राजा विक्रम सिंह। एक बहुत अच्छा इनका ये शुरुआत इन्होंने की है, न्यू शो विच इज स्टार्टिंग, ALG स्टार गेजर्स ऑफ इंडिया, कॉन्सेप्ट अच्छा है। सो आई एम श्योर अभी जो शूट भी किया हम लोगों ने, सो राजू सर बीइंग वन ऑफ द मेन एंकर्स, एंड हमने तो काम भी किया हुआ फिल्म में, यारो फिल्म में मेरे फादर का रोल भी किया था, तो एक अच्छी बॉन्डिंग भी रही हमारी। तो इट वॉज गुड फन, बहुत मज़ा आया। एंड मेरी बेस्ट विशेज है सर के साथ, दुष्यंत भाई के साथ, कि इट शुड बी अ सुपर हिट शो फॉर श्योर। उनकी जीवन की हर चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने अभी तक क्या क्या किया है, कैसे इनकी स्ट्रगलिंग रही है, क्या क्या इन्होंने जीवन में पा लिया और आगे क्या क्या करना चाहते हैं, जो बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है। तो इस शो के ज़रिए जनता तक, दुनिया लोगों तक पता चलेगा कि ये वाला कलाकार या ये वाले शख्सियत क्या करना चाहती है, क्या नहीं करती। इट्स नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, इट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी ग्रुप, एवरी प्लेस ऑफ एवरी एनी सिटी ऑफ एनी प्लेस, जहाँ से आदमी अलग अलग, जैसे एस्ट्रोलॉजी है आपका, जिन्होंने देश के लिए कुछ काम किया है, जो कुछ करना चाहते हैं, संस्था चलाते हैं, अपने अपने काम में निपुण है, जो बहुत लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो वो इस शो के ज़रिए जनता तक पहुंचाया जाएगा। तो यू मस्ट हैव इन कांटेक्ट विद ऑल ऑफ दिस पीपल, सो कोई ऐसा इंस्पिरेशनल फिगर है जो आपको बहुत इंस्पायर्ड किया है इन सब में, जिसका मुझे जो कॉन्सेप्ट सुनाया गया, जब मेरे दुष्यंत ने कॉन्सेप्ट सुनाया, तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि भैया इससे एक तो वो मित्र है मेरे, और जैसा कि उन्होंने कहा कि वो उन्होंने जीवन का अपना जो कैरियर स्टार्ट किया था हमारे यहाँ से स्टार्ट किया था, तो मुझे अच्छा लगता है जिनके साथ आपने वक्त गुजारा हो, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ आप जुड़े रहने की हमेशा कोशिश करते रहिए। तो इसीलिए जब इन्होंने मेरे को कॉन्सेप्ट सुनाया, तो मैंने कहा मैं ये करूँगा, सेकंड थॉट नहीं दिया मैंने। और आज पहला एपिसोड मैंने अपने दोस्त के साथ किया है, बेटे के साथ किया है, जिनका पिता का रोल किया था मैंने फिल्म के अंदर, तो अच्छा लगा। जो मैं जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही निकल के आ रहा है। मेरी बेसिकली रियलिटी शोज मेरे लिए बड़े कौतूल का विषय रहे, आई एम अ कंपोजर। अब वो सौभाग्य की दुर्भाग्य की कभी किसी बड़े रियलिटी शो से जुड़ने का मौका नहीं मिला। इनफैक्ट आई प्रोड्यूस लॉट ऑफ रियलिटी शोज, बट उस लेवल तक नहीं कर पाए। तो फिर मेरे मन आया कि यार रियलिटी शो एक बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ हो जाता है अपना एग्जीक्यूट करना, इट्स नॉट ईजी। तो मुझे लगा क्यों ना हम एक ऐसा शो करें जिसमें कि सबसे पहली बात तो पॉजिटिव बात है। हम आजकल शोज़ देखते हैं कि बड़ा नेगेटिव, बड़ा उल्टा सीधा, किसी हाइप क्रिएट करने को कुछ भी र्यूमर छेड़ दिया या कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। मैंने कहा सबसे अलग हटके हमारे पास गेस्ट आए, हमने उनसे बड़ी पॉजिटिव बात की। लोगों को अच्छा सुनना अच्छा लगता है, आप उन्हें मीठा सुनाएंगे तो मीठा ही आपको वापस मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके आई स्टार्ट, और इसका कॉन्सेप्ट भी हमने ऐसा रखा अभी तो, क्योंकि हमारा पहला दूसरा तीसरा एपिसोड है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम एक कलाकार को रखें, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे और किसी विधा से हो, और एक हम उनके साथ सामाजिक धारा से जुड़े हुए आदमी को रखें, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे समाज सेवी हो या सोशल वर्कर हो। सो उसको लेके देन मैंने कहा एक हम एक ऐसा बुके पब्लिक को दे सकते हैं या दिखा सकते हैं कि हाउ यू अचीव योर गोल एज एन अ कलाकार, क्योंकि जीवन के दो ही पहलू हैं, कला या व्यवसाय।
और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कला में आप उसे एक्सट्रीम तक कैसे पहुंच सकते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से जानिए, विदाउट किसी जो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे ऐसे लोगों से जानिए जिन्होंने अपने करियर को फोकस किया। और वहीं व्यवसाय में या किसी पर्टिकुलर बिजनेस, चाहे वो फैशन हो या कॉरपोरेट हो या समाज सेवा हो, तो उसमें आप चरम को कैसे छू सकते हैं, तो उन लोगों के उससे जानिए। तो हो सकता है शायद हमारे इस प्रोग्राम से और आप सबके माध्यम से जो नई पीढ़ी है उसे कुछ सीखने को मौका मिले कि हाउ दे स्टार्ट देयर कैरियर, किन लोगों से मिल सकते हैं। साथ ही साथ उनको उनके पास एक चॉइस होगी कि इफ दे आर इन मुंबई तो उन्हें पता है कि हाँ राजू जी हैं एक शो करते हैं, मैं उनको जानता हूँ, उनसे मिल सकता हूँ, विक्रम जी हैं एक ऐसा, या इनफैक्ट हमारा एक शो होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आके वो बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं। वन टाइम देयर इज अ मोर देन 15 स्टार्स ऑन अ सेट, तो एक ऐसा ये बुके है कि यहाँ पे ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं आप कम्युनिकेशन का। तो लिस्ट बनाइए कौन कौन रहेंगे। आज जो हमारे पास हमारे जो मित्र लोग हैं, मेरे तो सारे सीनियर हैं, तो वेटरन एक्ट्रेस और मतलब हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत कुनिका जी, शीज नेक्स्ट हम एपिसोड उनका शूट कर रहे हैं। फिर रामशंकर जी संगीतकार हैं, आप सब उनसे परिचित हैं, मौसीकी के उन्हें उस्ताद बोलते हैं। फिर जैश शेख एक ऐसा नाम जो आया और अभी नहीं है लेकिन बहुत जल्दी फिर आने वाला है बहुत ज़ोरदार तरीके से, तो लोग हैं। कल संजीवनी हैं, जसविंदर नरूला हैं, सुनील पॉल आने वाले थे, मैं आई एम सॉरी मुझे उनकी सिस्टर नहीं रही, मैं एक बार फिर कैमरे के माध्यम से मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका बड़ा बैड एक्सपीरियंस दे रहा हॉस्पिटल के साथ, एज आप सबको मालूम है, और मैं चाहूँगा आप लोग सपोर्ट करें उनको इस सारे सिलसिले में। तो ये हमारे सारे फौज है और आप लोगों के साथ तो मेरे ख्याल से हम लोग आज ये 10वीं या 12वीं मुलाकात है, तो आप लोगों को तो अच्छी तरह पता है कि हमारा बुके क्या है। बट इंडस्ट्री ने मुझे सच में ओवर ऑफ सपोर्ट किया, हम लोग जितना डिजर्व करते थे उससे ज़्यादा दिया इस शहर ने, मुंबई ने हमको। तो मेरे जो फ्रेंड या मेरे जो बॉस लोग बोले उनकी लिस्ट करीब 180 या 200 तो मेरे ऐसे हैं फोन बुक में मित्र लोग जो दे आर रियल स्टार्स इन इंडस्ट्री, और मैं उनको फ़ोन करूँ तो उनके पास ना करने का कोई कारण नहीं है मुझे अपना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही हम लोग 25वां 50वां 75वां 100वां 150वां ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू मिलते रहेंगे। हर बार हम लोग कोशिश करेंगे विक्रम जी को बार बार, क्योंकि हमारे पहला एपिसोड हमने किया था 25वां इनके साथ करें, 50वां इनके साथ करें, 75वां करें और 100वां करें, तो ये हम लोगों की कोशिश है एंड आई होप कि वी विन दिस बैटल। 24 नवंबर से स्टार्ट है, जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे हम इसको लेके आ रहे हैं इस प्रोग्राम को। डिजिटल तो इसका पूरे सी हम लोग इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आई एम इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर ऑफ दिस प्रोग्राम, सो इट्स नॉट प्रॉपर्टी ऑफ जी, इट्स अ कॉपीराइट ऑफ माइन। सो इसका एक प्रॉपर एक डिजिटल हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं पूरा द स्टार गेजर्स ऑफ इंडिया, तो आप इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैं आप इसको सेपरेटली देख सकेंगे, बाकी जी तो दे आर फ्री। बिल्ली भी आ गई अभी इनको। ये अपने आप में एक इंडिया में एक अपने आप में अनोखा शो आ रहा है जहाँ पे राजू जी हैं, मैं हूँ, रितु हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, देश की मानी हुई एस्ट्रोलॉजर हैं, और इसमें हम इंटरव्यू भी करेंगे और इसमें साथ साथ जो स्टार्स यहाँ पे आएंगे जिन्हें हम बुलाएंगे उनके भविष्य के बारे में उनका हॉरोस्कोप भी यहाँ पे बताया जाएगा। तो अपने आप में एक बहुत अनोखा शो है जिसके लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम ही है कि वैसे तो टॉक शो बहुत सारे हैं और चैनल्स पे चलते रहते हैं, पर इसमें कुछ जो अलग कर रहा है इसको और शो से वो यही है कि उनका एस्ट्रोलॉजिकल जो हम एक प्रेडिक्शन करते हैं वो बहुत खास है। साथ में हमारी बहुत अच्छी जानी मानी जो फैशनिस्ट हैं प्रतिमा जी हैं और आर्टिस्ट सीनियर आर्टिस्ट राजू जी के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा अलग तरह की फीलिंग है इस शो में क्योंकि एक ही एक स्टार का इतने पहलुओं से विवेचन करना अपने आप में अलग है। बहुत लार्ज मासेस एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं लेकिन ये भी लिखा गया है कभी कभी उनको जो प्रेडिक्शन सही नहीं होता है तो डाउटफुल होता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे एस्ट्रोलॉजी को लेकर? देखिए ये तो एक मान्यता है अपनी अपनी, लोग बिलीव एस्ट्रोलॉजी कर कुछ लोग कुंडली पे नहीं करते बट उसको अंक ज्योतिष पे करते हैं, रेकी पे करते हैं, बहुत सारी विधाएं हैं, तो किसी न किसी को तो आप मानते ही हो, ऐसा नहीं है कि आप टोटली कुछ भी नहीं मानते हैं, तो जो स्टार जिस तरह से उसको मानता है उसको उसी तरह से बताना पड़ता है। तो बड़ा कॉमन पर्सन मतलब जितने सेलिब्रिटीज़ हैं वर्ल्ड में सेलिब्रिटीज़ की बात
करें, हर कोई बिलीव करता है, लेकिन फॉर अ कॉमन पर्सन व्हाट डज एस्ट्रोलॉजी रियली मींस टू देम? इज इट समथिंग बेनिफिशियल टू देम और इज इट समथिंग गाइडिंग? देखिए, एक दिशा निर्देश है एस्ट्रोलॉजी, हमें जो हम करते हैं अपने कर्म से पाते हैं, तो कर्म तो मेन है ही है, लेकिन अगर हमें अपनी हॉरोस्कोप के बारे में, अपने प्लैनेट्स की चाल के बारे में थोड़ा पता चल जाता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग थोड़े चेंजेस कर सकते हैं लाइफ में, बदलाव कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैम, व्हाट अबाउट यू, आपका क्या इंप्रूव रहेगा शो में, जानना चाहूँगा किस तरह से आप गाइड करेंगे अभी आएंगे कंटेस्टेंट? जैसा कि दुष्यंत जी ने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, दुष्यंत प्रताप सिंह जी ने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, और उसके हिसाब से यही है, मैं और राजू जी उनके जो अतीत है और जो वर्तमान में चल रहा है और भविष्य के बारे में बताने के लिए ऋतु हैं, और बाकी हम उनके अतीत और वर्तमान के बारे में और जिन्होंने जो अचीव किया है उसके बारे में हम ढेर सारी बातें करेंगे, और कुछ ऐसा अलग निकल के आएगा जो आप लोगों को नहीं पता होगा उन सितारों के बारे में अब तक, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। तो राजू, ये भी जानना होगा, अभी तक बहुत सारे शो जो होते हैं टॉक शॉप देखते हैं कि जो सेलिब्रिटीज और बड़े स्टार्स को लेकर नया कॉन्सेप्ट है, तो कितना इंस्पायरिंग होगा लोगों के लिए, जैसे ये शो जी पे आने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शो जो बड़े स्टार्स को लेकर ना, जो भी बहुत अनसंग हीरोज हैं या जो भी और भी अचीवर्स हैं, उनको लेकर ऐसे शो बनाया जाए? किसी भी चीज़ को बड़ा करने के लिए, बड़ा बनने के लिए शुरुआत तो करनी पड़ती है, और वो बड़ा बने या ना बने ये आपके शो पर डिपेंड करता है। अभी हम तब देखेंगे कि भैया ये करने के बाद, टेलीकास्ट होने के बाद लोगों को पसंद में आता है या नहीं आता है, मगर इंसान जब तक कोशिश ना करे तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। अगर पहले ही हार मान ले फिर तो जीवन में कुछ भी नहीं करेगा। और ये जो ऑब्सेशन एक होता है लोगों का बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को लेकर या क्रिकेटर्स को लेकर, वो उसके बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि अचीवमेंट तो किसी फील्ड में जा सकता है, तो यू नो एनीबॉडी बिकम इंस्पिरेशन, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये क्योंकि ग्लैमरस लाइन है जो ये बॉलीवुड के लिए है, ये ग्लैमरस लाइन है, इसमें आपका जीव हर इंसान चाहता है कि भैया ओहो, जबकि लोगों को उनकी एक्चुअल हकीकत नहीं मालूम होती। जैसे हम शिमला में रहते थे, हमारे लिए जो बेचारे जूनियर आर्टिस्ट होते थे, हमको लगता था इनके पास बहुत बड़े बड़े बंगले होंगे, ये तो अरबपति होंगे ही, कम से कम करोड़पति तो होंगे। हकीकत तो यहाँ आके पता चलती है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, मगर हाँ, जो स्टार्स होते हैं अगर वो अगर बन गए हैं तो बन गए हैं, मगर उसकी मेहनत और उनकी लगन को वो तब तक नहीं देख पाते जब तक वो आखिर यहाँ पे पता नहीं कर लेते हैं, उसके बाद मुकद्दर आता है। मेहनत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, मेहनत है उसके बाद मुकद्दर है, और कई बार मुकद्दर पहले है उसके बाद आपकी मेहनत है। अच्छा, आप दोनों मतलब वुमेन कम्युनिटी की बात करें इंडिया में, तो आप कितना डिफरेंस पाती हैं आज के ज़माने में, क्योंकि जब भी बात होती है पढ़ाई लिखाई से लेकर कोई कैरियर चॉइस तक, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेंस होता है फ्रॉम फैमिली टू यू नो आफ्टर दे गेट मैरिड, तो उसके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहले से काफ़ी बदलाव आया है लोगों की सोच में भी, लोगों में भी, कि महिलाओं को लेकर या उसको लेकर। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो उसके लिए भी हमारे पीछे जो हमारे साथ में जो हमारे, चाहे वो घर में परिवार में कोई भी हो, उन सबका पूरा सहयोग रहता है, तब हम लोग इसी तरह से हर तरह से इसमें बदलाव आया है। मुझे नहीं लगता वो पहले वाला सिनेरियो रहा है जहाँ लड़कियों को या औरतों को हर तरह से दबा के रखा जाता था या उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। अब तो हमें सभी लोग प्रोत्साहित करते हैं और सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत नाम कर रहे हैं और अपने अलग अलग क्षेत्र चुन रहे हैं, ऐसे क्षेत्र भी चुन रहे हैं जिनके बारे में सुना नहीं गया और एक्सप्लोर हो रही है नई नई लाइंस। हाँ, एक्चुअली मुझे अच्छा लगा कि पूरा इन्होंने सेंटर में कैसे देखेंगे, मुझे अच्छा ये लग रहा है कि जब जैसे कि वो सब इसको एक अमेलगमेशन किया है, जैसे आप वो टॉक शो भी है और एक हॉरोस्कोप के साथ रिलेटेड भी कुछ बातें बताएंगे, तो अच्छा सा नया फॉर्मेट है एंड इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज सेलिब्रिटीज़ के बारे में अक्सर लोग आजकल गूगल पे बहुत कुछ जान लेते हैं, लेकिन असल में सेलिब्रिटीज़ के अंदर की लाइफ में क्या हो रहा है वो स्टार्स एक्चुअली बताते हैं, अगर आपको विश्वास है उस पर। तो मैं तो मानती हूँ, देखिए मैं इतने सारी अंगूठियाँ भी पहन रखी हैं, तो आई बिलीव इन स्टार्स, आई बिलीव इन दिस साइंस, मैं इस पर विश्वास है मुझे कि ये बहुत पुराना साइंस है हमारे देश में, हमारी जो मतलब पुराने जो एंशंट कुछ साइंसेस में से ये है। सो मुझे विश्वास है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस शो, स्पेशली बिकॉज दुष्यंत जी ने बुलाया और वो हमेशा बहुत मान सम्मान से बात करते हैं एंड द वे ही यू नो ही इज़ ऑलवेज वेरी स्वीट, इसलिए आई एम हियर।
ज़्यादातर आप शो देखती होंगी जिसमें कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया जाता है, मतलब बड़े सेलिब्रिटीज़ का उनका टॉक शो होस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग फील्ड के जो अचीवर्स हैं उनको हाईलाइट किया जा रहा है, तो वो बताइए कि वो कितनी अच्छी बात है। नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट द होल, ये सबसे अच्छी बात यह है कि आप चाहे छोटा सेलिब्रिटी हो या बड़ा हो, लेकिन इंसान को आप अहमियत दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे इंसान अलग अलग अचीवर्स जो हैं उनकी लाइफ में क्या हुआ है वो एज अ थ्रू द टॉक शो, मतलब राजू खेर जी जो इंटरव्यू करेंगे उससे पता चलेगा। बाकी जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो लेडी, वो आपको उनके यू नो स्टार्स के बारे में, ताकि आम इंसान को भी जब उसके साथ रिलेट कर सके, इट्स अ गुड थिंग। अब बाकी दूसरे शोज़ में तो ऐसा होता है कि कौन किसका बॉयफ्रेंड है, कौन किसके साथ घूमने चला गया, ये वो, दिस इज़ आई थिंक दिस लेवल इज नॉट, आई मीन आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। सो लेट्स सी, कितना जरूरी अनसंग हीरोज काफ़ी सारे हैं हमारे कम्युनिटी में, अपने लेवल पे काम करते हैं, छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, उनको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करना जरूरी है क्योंकि वो एक इंस्पिरेशन होते हैं सोसाइटी के लिए। बिल्कुल, अनसंग हीरोज़ को जब आप हाईलाइट करेंगे तो बाकी समाज में भी एक ऐसी फीलिंग आएगी कि हमको भी कुछ करना है। अभी जैसे अब इस वक्त जो है, जो हमारे जो टॉप के सेलिब्रिटीज़ हैं उनके और आम इंसान में, सामान्य इंसान में बहुत बड़ा अंतर है, तो जब आप अनसंग हीरोज़ का जो मिडिल वाला ब्रैकेट लेकर आएंगे तो फिर कम से कम एक एस्पिरेशन होता है जो कॉमन मैन उनको देख के बोले यार मैं भी कर सकता हूँ, यू नो। एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे देश के लिए जितना हम लोगों को एस्पिरेशनल बनाए, जितना लोग इंस्पायर हो दूसरे से, और वो बहुत ऐसे नहीं लगे अरे ये तो बहुत ही फार फेच्ड ड्रीम है या मैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकती, ये तो रणबीर कपूर है, ये तो ऋषि कपूर का बेटा है। नो, इफ यू ब्रिंग द कॉमन पीपल देयर, द अनसंग हीरोज विच आर फ्रॉम द कॉमन यू नो पब्लिक, फ्रॉम उनको लेकर आएंगे, उनके साथ लोग ज़्यादा इंटरेक्ट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, उनके साथ ज़्यादा उनका एक आई एम मिसिंग द वर्ड, दे विल फील अ कनेक्ट, सॉरी, हाँ, उनके साथ ज़्यादा उनको एक कनेक्ट महसूस होगा। हमारे यहाँ ये भी देखा कि केबीसी में अमित जी ने भी काफ़ी सारे अनसंग को बुलाया था, प्रकाश आमटे जी वगैरह को, फिल्म जितने फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, तो ये कितना इफेक्ट होगा कि और ज़्यादा जो सेलिब्रिटीज हैं जिनके शोज होते हैं वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें, जैसे आपने कहा कि एक कनेक्ट होगा लोगों को। देखिए, मैं पिछले 30 साल से सोशल वर्कर हूँ और बहुत लोगों को नहीं पता है, अब तो बहुत लोगों को पता भी चल गया, बच्चों के एजुकेशन के मामले में काम करती हूँ और बच्चों के और जो वुमेन एम्पावरमेंट में काम करती हूँ, तो मैं हमेशा से ये कहती थी कि कुछ लोग बोलते थे कि अरे लोग पब्लिसिटी करके सोशल वर्क करते हैं, मैं कहती हूँ कि पब्लिसिटी करके करो सोशल वर्क, तो कम से कम दूसरे लोग देखेंगे तो वो इंस्पायर होंगे। इसी तरह जब आप अनसंग हीरोज़ को सामने लेकर आते हैं और वो देखते हैं, जैसे मैंने कई लोगों से मिली हूँ, ऐसे ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनके पास खुद के, मतलब इतना कोई बहुत बड़ी कमाई नहीं, लेकिन रोज़ लंगर चलाते हैं, रोज़ लोगों को खाना खिलाते हैं, या हर महीने 10 बच्चियों को अडॉप्ट करके उनका एडुकेशन करते हैं, ऐसे कॉमन इंसानों को मैंने देखा है। सो व्हेन यू डू दिस देन यू फील, सबके अंदर एक हिम्मत भी आती है कि यार मैं भी कर सकूँ, क्योंकि अच्छा सब आदमी की जो अंदर की नेचर, अंदर का नेचर है नॉर्मल इंसान का, वो अच्छा करना चाहता है, वो अच्छा रहना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है या अच्छा बनना चाहता है, तो जब वो लोगों को देखेंगे जो कॉमन मैन है और बोलेंगे अरे ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर सोसाइटी। एट द मोमेंट आई एम नॉट डूइंग एनी फिल्म और टेलीविजन, आप सबको ये बता दूँ, मैं पिछले 5 साल से शूटिंग के दौरान पढ़ती थी और 5 साल मैंने लॉ की पढ़ाई करके अब मैं एडवोकेट बन गई हूँ। सो अब मेरा एक मकसद ये भी था एडवोकेट बनने का कि मैं लोगों को लीगली हेल्प कर सकूँ, क्योंकि सोशल वर्क के ज़रिए एक लिमिट तक ही हेल्प कर सकती हूँ, तो अब मैं अपने एडवोकेसी करूँगी, आई एम रजिस्टर्ड विद द बार काउंसिल एंड होपफुली मैं उस करियर के को आगे लेके जाऊंगी, और फिर अच्छी कोई फिल्म या कोई वेब सीरीज अच्छी कोई आए जिसमें मेरे को, मुझे अपने लिमिटेड टाइम देना हो, तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी, बट नॉट थ्रू कास्टिंग डायरेक्टर्स, बिकॉज आई एम फेड अप ऑफ डूइंग दिस कास्टिंग लुक टेस्ट एंड ऑल दैट, वो सब नहीं कर सकती। अनसंग हीरोज हैं और जो अचीवर्स हैं उनको शोकेस करने की कोशिश की गई, तो क्या कहना चाहेंगे इस एसोसिएशन से जो स्पॉन्सर कर रहे हैं इस शो को, आपको क्या इंस्पिरेशन था जो आपने स्पॉन्सर किया शो को? देखिए, मैं तो इस लाइन में पहली बार ही, मुझको दुष्यंत जी ने अप्रोच किया था, तो मैं उसके आधार, इन्हीं के आधार पर ही मैं इस पर पहली बार आया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में नॉलेज नहीं है, इन्होंने काफ़ी मुझको सपोर्ट किया है कि आप आइए पहली बार देखिए और उसके बाद जो है फिर आप डिसीजन लेना, तो मुझको तो बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज नहीं है, अप्रोच वाली बात थी, मैं आया इसमें। तो बहुत सारे बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, तो कितना ज़रूरी था कॉर्पोरेट्स को इस तरह के शोज़ को यू नो सपोर्ट करना, क्योंकि ये एक माध्यम होता है लोगों को
अपने बारे में बताने का और उनके बारे में जानने का, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं इनके जो पुत्र हैं जी जी, उन्होंने ही इनको बोला है कि पिताजी आप ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बिजनेस को, हमारी चीज़ को आगे बढ़ा सकता है एज ए बिजनेस। एक्चुअली मेरा बेटा जो है ना, मतलब इसमें गाने वगैरह भी गाता है, तो उसने मुझे बताया पापा जी जो है अभी पुराने ख्यालों से बाहर आइए, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप देखो दुनिया में क्या चल रहा है। तो मैंने भाई बच्चे हैं आजकल ये भी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। माइंड माइंड बच्चों का आजकल ज़्यादा तेज है, तो चलो देखते हैं, कोई बात नहीं है। सर आप जन आपका जो हेल्थ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा आप खुद में प्राउड फील करते हैं जो कार्य कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं? देखिए मैं तो डॉक्टर अजय मेरा नाम है और मैं हरिद्वार से हूँ। हरिद्वार जो कि पूरे विश्व की स्पिरिचुअल कैपिटल है। दुष्यंत जी के साथ मेरा बहुत पुराना संबंध भी है और दुष्यंत जी ने जब ये कॉन्सेप्ट में से शेयर किया तो मुझे लगा कि बहुत इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है और इस तरह से एक पॉजिटिव मैसेज समाज में जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम नेगेटिविटी के ऊपर आधारित हैं और ये सबसे बड़ी इसकी USP है कि ये पॉजिटिविटी के ऊपर आधारित है। एक आम आदमी को ये समझ में आएगा कि कोई व्यक्ति नीचे से खड़े होकर के मेहनत करके डेफिनेटली एक एस्ट्रोलॉजी की सीढ़ी के साथ में सपोर्ट लेकर के कैसे ऊपर आ सकता है और कौन कौन से रास्ते उसने देखे। और जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है तो मैं तो अगेंस्ट द करंट काम कर रहा हूँ। एलोपैथी जो मॉडर्न साइंस है, इसका इतिहास सिर्फ 200 वर्ष का है, ये हर व्यक्ति को मालूम है। और उससे पहले तक क्या होता था, जब ये मॉडर्न साइंस नहीं थी तब क्या था, तो जो उस समय थी वो विधा, वो विद्या, वो हमारे ऋषि मुनियों की साइंस, उसको मैं द्वारा लेकर के आया हूँ और एक बिल्कुल मॉडर्न पैकेजिंग में लेके आया हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड, प्रूवन, टाइम टेस्टेड, साइंटिफिक बेस। हम जो भी कर रहे हैं उसमें बिफोर एंड आफ्टर हम प्रूव कर सकते हैं। और कर क्या रहे हैं, कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, 5 एलिमेंट्स से, हवा से, पानी से, नीचे की मिट्टी से, खुशबू से, नेचुरल खुशबू से, नेचुरल साउंड से, पेट से, एनिमल बर्ड से, सिर्फ पेड़ पौधों से, देखने से, कितनी सुंदर चीज़ है। हम लोग जितने भी आज आप देखिए कैंसर के, आज ही हमारी तरफ से भी श्रद्धांजलि हम प्रकट करते हैं हमारे भाजपा के और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार जी, उनको कैंसर से पीड़ित थे, उनकी डेथ हो गई। और आप आश्चर्य करेंगे 70 करोड़ आदमी को कैंसर होने वाला आने वाले 3-4 सालों में, ऐसा WHO का कहना है। क्यों हो रहा है, क्योंकि रेडिएशन में सब लोग घिरे हुए हैं। हम जितना प्रकृति से दूर जा रहे हैं उतना हमारे को रोज नई 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 बीमारियां आ रही हैं। और ये अद्भुत विद्या, कैसी विद्या, जो हजारों वर्षों से है, फिर सब केवल आप हाथ से किसी व्यक्ति की ऊर्जा बदल सकते हैं, क्योंकि बीमारी हुई कहाँ से, जब व्यक्ति को तनाव हुआ और उसका एनर्जी फ्लो टूट गया। हम उसका एनर्जी फ्लो ठीक कर दें, बीमारी ठीक हो जाएगी। DNA रीप्रोग्रामिंग पॉसिबल है विदाउट मेडिसिन। क्या बात है।